दोस्तों, अब ये लोग बात कर रहे होते हैं किंग कॉन्ग को जमीन के अंदर ले जाने के, जहां पर उसका असली घर होता है, और फिर किंग कॉन्ग को समंदर के अंदर एक कश्ती के जरिए ले जा रहे होते हैं जहां से उसे धरती के नीचे भेजा जा सके। लेकिन उस रास्ते से जाते हुए किंग कॉन्ग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो दुखी भी हो जाता है। अब वही छोटी सी लड़की उसके पास आती है और साइन लैंग्वेज में उससे बात करने लगती है। वहां पर उसकी केयर टेकर भी आ जाती है, उसे बताती है कि वो अपने घर जाना चाहता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि किस तरह ये छोटी बच्ची उससे बात कर सकती है। और फिर अगले दिन जहाज में सायरन बजता है कि गॉडज़िला आने वाला है। किंग कॉन्ग अपनी जंजीरों को तोड़कर धाड़ने लगता है और तमाम लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और तोपों से हमला करने लगते हैं ताकि गॉडज़िला को वहाँ से भगाया जा सके। गॉडज़िला आते आते एक बड़ी शिप को चीरता हुआ आता है और रास्ते में पड़ी हुई हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। अब वहाँ पर गॉडज़िला उनके पास आ जाता है और पूरी शिप को उल्टा देता है। जिस शिप पर किंग कॉन्ग बंधा होता है वो शिप उल्टी हो जाती है और सारे लोग पानी में डूबने